इट्स अ लीडिंग प्लेटफॉर्म जो कनेक्ट करता है विद द होम मसाले का फर्स्ट क्लास टेस्ट है। मटन के बहुत अच्छे पीसेज हैं। मैंने कभी भी दाल मीट खाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग सेफ होंगे अपने घर पे। सो आज की वीडियो में मैंने खाना मंगाया है शेफ इन से। सो मुझे इनका कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा एंड दैट्स व्हाई आई थॉट कि मुझे यहाँ से खाना मंगाना चाहिए। सो सबसे पहले तो मैं शेफ पेन के बारे में आपको थोड़ा बता देती हूँ। सो इट्स अ लीडिंग प्लेटफॉर्म जो कनेक्ट करता है विद द होम शेफ। सो जितने भी होम शेफ़ है उन्होंने पार्टनरशिप कर रखी है विद द शेफ पेन। सो मैंने यहाँ पे इस बारी खाना मंगाया है बगीची से। आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। सो वहाँ पे काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस थी एंड मैंने सोचा कि वहाँ से मंगाया जाए। वहाँ पे और भी शेफ्स हैं, और भी कुजीन्स हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। सो आप ज़रूर चेकआउट करना। लिंक मैं इस एप्लीकेशन का डाल दूंगी नीचे, आप ज़रूर चेकआउट करना। सो आगे वीडियो में देखते कि इनका टेस्ट कैसा है। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो होम शेफ हैं ये लोग कोविड थालीज भी बनाते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। सो अब आगे फर्दर वीडियो में देखते हैं एंड देखते हैं कि मुझे इनका खाना कैसा लगता है। सो अब इसकी करते हैं एक बारी अनबॉक्सिंग। सो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें रखी हुई हैं। सो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है ग्रीन चटनी। ये है इनका फेमस दाल मीट एंड इसके अंदर है मटन शामी कबाब। सो यहाँ पे है इनकी ग्रीन चटनी जो काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। सो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छे से टेप लगा रखी है। सो एक बार इसे खोल के देखते हैं। मटन बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है देखने में। और इस बॉक्स के अंदर है, वाह ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं देखने में। सो ये है मटन शामी कबाब जिसमें मिले हैं 8 पीसेस। मटन के बहुत अच्छे पीसेस हैं, दिख रहा है कि काफ़ी अच्छे से कुक्ड है और काफ़ी बड़े पीसेस भी हैं। मैंने कभी भी दाल मीट ट्राई नहीं करा है। सो लेट्स सी कि इसका टेस्ट कैसा है। सो खाना तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। इवन तो मैंने काफ़ी कम चीज़ें मंगाई हैं बिकॉज मैं श्योर नहीं थी इतना ज़्यादा। सो पहले मैंने सोचा एक दो डिशेस मंगा के देखती हूँ एंड अगर अच्छी लगी तो और डिशेस मंगाऊंगी। देखने में तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। नाउ लेट्स सी कि टेस्ट में कैसा करता है। सो मैं दाल मीट खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैंने दाल मीट कभी ट्राई नहीं करा है। सो ये मैं एक बार ट्राई करती हूँ। सो यहाँ पे पहले थोड़ा ही लेते हैं। देन यहाँ पे है हमारे शामी कबाब और यहाँ पे अनियंस भी दे रखे हैं जो अभी एक ही पीस खा के देखते हैं। और ये रही हमारी ग्रीन चटनी जो इन्होंने भिजवाई थी, डाल देते हैं। एंड ऑल्सो मैंने घर पे ही रोटी बनवा ली थी। सो ये रही मेरी रोटी। सो खाना ओवरऑल देखने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। एक बार ये मटन का पीस देखते कैसा है। सो ये काफ़ी अच्छे से कुक्ड है, आप देख सकते हैं। सो अब इसको एक बार ट्राई करते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। मीट बहुत ज़्यादा टेंडर है, काफ़ी अच्छे से कुक्ड है, काफ़ी अच्छे फ्लेवर्स हैं इसमें। मैंने कभी भी दाल मीट खाया नहीं तो मुझे नहीं पता मैं इसे क्या एक्सपेक्ट करूं, बट मीट काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, काफ़ी अच्छे फ्लेवर्स आ रहे हैं। एंड मैंने कभी सोचा नहीं था दाल और मीट मैं इकट्ठे खा रही होंगी क्योंकि यूजुअली मैं दाल खाती नहीं हूँ। सो अब एक बारी हम ये शामी कबाब को तोड़ के देखते हैं। वाओ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, वेरी टेस्टी। सो ये शामी कबाब तो देखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। सो इसमें अच्छे से लगाते हैं चटनी और जो प्याज है वो भी, और थोड़ा अच्छे से लेते हैं प्याज। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, बिल्कुल जैसे मुंह में गया और सीधा मेल्ट हो गया। मैंने बहुत सारे मटन कबाब खाए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पाइसेस यूज़ करे होते हैं
जो इतना अच्छा नहीं लगता, बट इसमें बिल्कुल भी वैसा नहीं है। एकदम सॉफ्ट है और मेल्ट हो रहे हैं माउथ में, और मटन भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बिल्कुल घर जैसा। सो मुझको तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा लगा, मटन कबाब एंड दाल मटन दोनों बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। क्योंकि मुझे दाल मटन के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो अब बड़े मम्मी से टेस्ट करवाते हैं क्योंकि उनको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सो लेट्स सी कि उनका क्या कहना है इस चीज़ पे। अब आप ये ट्राई करो और बताओ कैसा लगा। ये दाल मीट है और ये है मटन शामी कबाब। बहुत टेस्टी है, मसाले बिल्कुल वो है ना, सही है, ज़्यादा तेज नहीं है। जैसे ये बना हुआ है ना दाल और मीट, वैसे हमारे वहाँ जम्मू कश्मीर में बहुत बनता है। जैसे ये दाल मीट है, वहाँ साग मीट भी बनता है, आलू मीट भी बनता है। क्योंकि वो जो लोग हैं ना, वो मीट ऐसे नहीं खाते, वो कुछ ना कुछ बीच में डाल के ज़रूर खाते। इसे बहुत टेस्टी है। और इसमें दाल कौन सी यूज़ करी हुई है, मुझे तो समझ ही नहीं आई। इसमें दाल है, मसाला है ना, पता नहीं लगता भी। दाल मेरे को तो मूंग की दाल लगती है, क्योंकि मसाला इतना है कि समझ नहीं आ रही दाल कौन सी है। दाल का इतना टेस्ट नहीं है जितना मसाले का फर्स्ट क्लास टेस्ट। आपको अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल घर जैसा। आज तो मेरे को वो कि जम्मू कश्मीर की याद आ गई है। और ये भी ये भी बहुत टेस्टी है, क्योंकि इसमें नमक मिर्च मसाला बिल्कुल सही है। क्योंकि ज़्यादा मिर्च भी हो तो फिर खाया नहीं जाता, इसलिए ये बहुत अच्छा है। मतलब आपको अच्छा लगा ये दोनों चीज़ें? दोनों चीज़ें बहुत अच्छी। सो आपने देखा कि खाना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बड़े मम्मी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और उन्होंने तो बता ही दिया कि जम्मू एंड कश्मीर में भी ऐसे मटन मिलते हैं, मतलब बनते हैं, एंड काफ़ी अच्छा लगा उनको, काफ़ी फ्लेवर्स अच्छे लगे, काफ़ी होमली फ्लेवर्स हैं। सो दाल मटन एंड मटन शामी कबाब मैंने मंगाया है बगीची से, जिनकी शेफ है वीनू माथुर। काफ़ी टेस्टी खाना है, एंड ऑल्सो मुझे एम्फसाइज करना है यहाँ पे कि पैकेजिंग बहुत अच्छी है शेफ पेन की। इन्होंने इको फ्रेंडली पैकेजिंग करी है, जो काफ़ी अच्छा लगा। जितना कम से कम प्लास्टिक के लोग यूज़ कर सकते थे इन्होंने करा। एंड अगर आप लोगों को भी ऑर्डर करना है दिल्ली NCR में, देन मैं इसका लिंक नीचे डाल दूँगी, आप ज़रूर चेकआउट करना। शेफ पिन में और भी जगहें हैं बगीची के अलावा, और भी शेफ्स हैं, एंड मैं उनका भी ट्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, देन मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट दी नोटिफिकेशन बेल। एंड अगर आपके पास कोई और सजेशन है, कोई और प्लेस जो आप मुझे दिल्ली में रिव्यू करते हुए देखना चाहते हो, देन आप नीचे कॉमेंट डाउन ज़रूर करना, मैं ट्राई करूँगी उस पर वीडियो बनाने का। सो टिल देन, थैंक यू सो मच एंड बाय।